प्लस सेलेडोन मार्वल, चूंकि आप देख सकते हो एक जैसे मार्वल का पत्थर होता है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आ गए हैं एक और अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर जो कि है वन प्लस नोट सी 4 की। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बॉक्स हमारे पास आ चुका है। तो सबसे पहले करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं इसको वन प्लस ने इसमें क्या क्या फीचर्स पैक किए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बॉक्स की, तो ये आता है टिपिकल नोड स्टाइल में जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है वन प्लस नोड, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहले करते हैं बात, इसको करते हैं अनबॉक्स। अनबॉक्स करने के बाद आता है हमारा मेन डिवाइस। सबसे पहले इसको रखेंगे हम साइड में। एक आता है हमारे पास 100 वॉट का सुपर वूक चार्जर, जैसा कि देख सकते हैं काफी हैवी और काफी ब्रिक चार्जर इसमें प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि इस फोन को ये अंडर 30 मिनट के हिसाब से चार्ज कर देता है। एक हमारे पास रेड कलर की डाटा केबल जो कि A2C डाटा केबल हमें प्रोवाइड की हुई है इसमें। और देखते हैं क्या क्या इसमें इसमें मिलता है हमको। क्विक सिम इजेक्टर टूल, वन प्लस नोड का एक थैंक यू कार्ड और बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन और नोड का स्टिकर्स। एक दिया हुआ मैं केस, ये वाइट केस नहीं दिया है जो कि जल्दी पीला पड़ जाता है, इसमें आप इसको लंबे टाइम तक यूज कर सकते हो। तो क्वालिटी भी काफी डिसेंट से अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड की है। तो बात करते हैं हमारे मेन डिवाइस की, तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारे मेन डिवाइस, तो इसको करते हैं पहले हम रैप कर रिमूव। जैसा कि दोस्तों हमारे मेन डिवाइस, तो बात करते हैं इसके कलर की, तो इसको बोलता है वन प्लस सेलेडोन मार्बल, चूंकि आप देख सकते हो एक जैसे मार्बल का पत्थर होता है उस टाइप में इसकी जो टेक्सचरिंग है और डिजाइन है वो इसी हिसाब से करी गई है। काफी प्रीमियम लग रही है, काफी अच्छा कलर ये प्रोवाइड किया हुआ है वन प्लस ने। बात कर सकते इसके अदर फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहले करते हैं फोन को बूट। जब तक हमारा फोन हो जाता है बूट, तो हम आपको एक बार बाहर से दिखा देते हैं। इसको खुलते हैं, आपको सिम ट्रे, टाइप सी चार्जिंग का सपोर्ट और एक स्पीकर, लॉक अनलॉक बटन, वॉल्यूम अप डाउन बटन और इसमें मिलता है आपको माइक्रो आईआर ब्लास्ट इसमें प्रोवाइड किया हुआ है वन प्लस ने, जो कि अच्छी बात है। और इसमें दैट्स इट। जो इसकी बॉडी है वो मिलती है आपको प्लास्टिक कार मोड के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ आते हैं, काफ़ी बिल्ड क्वालिटी इसकी मजबूत है। तो काफ़ी अच्छा काम किया इसने वन प्लस में। देख सकते हैं इसमें हम सिम में क्या डबल सिम के साथ इसमें क्या मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हो या नहीं। इसमें मिलता है आपको ड्यूल नैनो सिम का, वो मिलता है आपको एक, अगर आप एक एक सिम और एक मेमोरी कार्ड इसमें यूज कर सकते हो। अगर आप डबल सिम चलाते हो तो आप इसमें मेमोरी कार्ड यूज नहीं कर सकते, मेमोरी एक्सपेंडेबल नहीं कर सकते हो, तो एक सिम के साथ आप ये कर सकते हो। देख सकते हो इसमें काफ़ी पतले चिन्स दिए हुए हैं और जिसका बेजललेस डिस्प्ले इसमें प्रोवाइड की है, काफ़ी अच्छी। इसका जो एक्सपेक्टेड टू बॉडी रेशियो वो 93% निकल के आता है, तो काफ़ी अच्छे है, मतलब देख सकते हो बेजललेस फोन ही निकल के आता है। फ्लूड एमोलेड डिस्प्ले 1 बिलियन कलर के साथ, जो कि आती है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में। तो देख सकते हो काफ़ी स्मूथ डिस्प्ले इसमें वन प्लस ने आपको प्रोवाइड किया, काफ़ी कलरफुल डिस्प्ले इसमें निकल के आती है। इसमें आपको सपोर्ट मिलता है 1 बिलियन कलर का, तो काफ़ी कलरफुल डिस्प्ले आपको ये लगेगा। इसमें ब्लैक ब्लैक वाइट वाइट आपको एक्यूरेसी एकदम करेक्ट तरीका से दे सकते हैं। अगर आप इसमें मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हो, अगर ज़्यादा मूवीज या नेटफ्लिक्स देखते हो, तो इसमें आपको मिलता है HDR10 का सपोर्ट मिलता है, तो आपको HDR इसमें मल्टी नेटफ्लिक्स इसमें आप HDR में देख सकते हो, जो कि काफ़ी प्रीमियम और अच्छी डिस्प्ले इसमें प्रोवाइड की हुई है। बात करते हैं कैमरा सेटअप की, तो इसमें मिलता है आपको मेन जो सेंसर है वो है 50 मेगापिक्सल का और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको मिलता है, LED फ्लैश इसमें प्रोवाइड किया हुआ है। तो एक बार बात करते हैं इसके कैमरा सैंपल्स की, तो हम आपको एक बार कैमरा चेक करा देते हैं कैसी सैमसंग क्वालिटी इसमें प्रोवाइड की हुई है। देख सकते हो जैसा कि इसमें बहुत ही अच्छी, मतलब 1.6x 2x पे जाके काफ़ी अच्छी ये पिक्चर प्रोवाइड करता है। इसमें आपको पोर्ट्रेट मोड भी दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। अगर आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें और भी अदर्स जैसे स्लो मोशन, टाइमलेस और भर भर के वन प्लस ने फीचर्स पैक किए हुए हैं, तो कैमरा की ओर से आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी और काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर कर देते हैं। इसके सेल्फी कैमरा के लिए मिलता है आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी और काफ़ी क्वालिटी वाइज पिक्चर आपको क्लिक करके दे सकता है। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें डिटेलिंग बहुत ही अच्छी तरीके से आती है और काफ़ी, मतलब
क्वालिटी वाइज पिक्चर आपको क्लिक करके दे देता है, तो डिटेलिंग उसमें मिसिंग नहीं है और कलर सैचुरेट है वो भी काफ़ी अच्छे से निकल के आते हैं। और साउंड हमारा जो अगर आप मल्टीमीडिया ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो इसमें मिलते हैं आपको स्टीरियो स्पीकर और जो इनकी साउंड क्वालिटी बहुत ही लाउड है। एक बार टेस्ट करा देते हैं हम आपको इसकी साउंड क्वालिटी, जैसा कि काफ़ी लाउड और काफ़ी क्लियर क्रिस्पी आवाज़ ये आपको प्रोवाइड करता है, काफ़ी लाउड आवाज़ है इसमें स्टीरियो स्पीकर की, तो मतलब जो साउंड की तरफ से आपको कोई एजिटेशन कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा आप मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हो तो आपको आराम से बिना ईयरफोन के भी आप मूवी वॉच या नेटफ्लिक्स कंज्यूम कर सकते हो, तो आपको ऐसा कोई फेस इशू नहीं करना पड़ेगा। तो जो फिंगरप्रिंट सेंसर है इसमें वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी फास्ट वर्क करता है, और एक मतलब अगर आप इसमें थोड़ा बहुत बारिश बारिश में भी इसको यूज करते हो तो फिंगरप्रिंट आराम से वर्क करता है, तो ऐसा आपको कोई इशू फेस करने के लिए नहीं मिलेगा। जो इसमें मिलती है आपको 5500 mAh की बैटरी विद 100 वॉट का सुपर हुक चार्जर। अगर बात करते हैं इसके चार्जिंग टाइम की तो ये आपके इस फोन को 50-30 मिनट में फुल चार्ज कर देता है, जो कि बहुत ही कम टाइम लेता है, और आप अगर नहा के निकलते हो तो आपको फोन फुल चार्ज होकर मिलेगा। आपको बात करते हैं इसके यूज की तो आप इस फोन को एक बार फुल चार्ज करने पर आराम से एक दिन यूज कर सकते हो अगर आप हैवी टास्किंग करते हो तो। अगर ज़्यादा अगर आप कम हैवी टास्किंग करते हो तो आपको आराम से 1.5 से 2 दिन में फोन जाएगा, जो कि बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा निकल कर आता है इसमें। और जो इसका मतलब 5500 mAh की बैटरी के हिसाब से जो इसका वेट है वो भी काफ़ी लाइट वेट और काफ़ी थिन फोन है, जैसा कि आप देख सकते हो इसकी 8.5 mm की थिकनेस के साथ ही आता है, तो काफ़ी लाइट वेट फोन है ये। ऐसा आपको मतलब बैटरी के हिसाब से कोई हैवी फोन नहीं बनाया गया और काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया इसके वेट को वन प्लस ने। बात करते हैं इसमें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस दिया हुआ है इसमें 7 Gen 3 का, जो कि काफ़ी पावरफुल और काफ़ी मिड रेंज के हिसाब से एक प्रीमियम तो नहीं बोल सकते, एक फ्लैक्सी भी नहीं बोल सकते, मिड रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोसेसर ये निकल के आता है 7 Gen 3। बात करते हैं अंतुत स्कोर की, तो 8 लाख के प्लस आपको अंतुत स्कोर निकाल कर दे देता है, जो कि एक 4nm पर बेस है, 4nm पर, तो काफ़ी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर आप इसको बोल सकते हो, जो कि बहुत ही कम बैटरी कंज्यूम करता है और आप इसे लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हो। आप इसमें गेमिंग करते हो तो अगर BGMI खेलते हो तो आपको इसमें 60 FPS की एक स्मूथ गेमिंग आपको ये प्रोवाइड करके दे देगा, जिससे आप आप लोग फ्री गेमिंग का मजा ले सकते हो। और अगर कुछ भी आप मल्टीटास्किंग करते हो जो भी, तो ऐसे आपको कोई इशू फेस करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक काफी पावरफुल प्रोसेसर आप बोल सकते हो इसको 7 Gen 3 को। एड्रेस है हमारा होड़ल हसनपुर चौक नियर उपर मार्केट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप यहाँ तक आ गए तो आपका 1 लाइक हमको बहुत मोटिवेट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।